तो हेलो स्टूडेंट्स, आप सबका फिर से स्वागत है मेरी चैनल पे। अरे यार क्या बोलूँ, एक चीज़ तो पहले सुन लो। अरे इतना दिन से मैं वीडियो अपलोड नहीं कर रहा हूँ, तो रीज़न ये है ना भाई कि कैमरा थोड़ा सा ख़राब हो गया है। तो मैं कैमरा रिप्लेस किया, लेकिन कैमरा मोबाइल का रिप्लेस करने के बाद वो पहले वाला वो क्लियरिटी नहीं रहा है ना, तो इसलिए मैं थोड़ा सा मतलब कि रुक गया था। फिर मैं वापस से भी रिप्लेस करने वाला हूँ, लेकिन अब मैं सोचा कि अब कितना दिन तक रुकूँ। अरे यार थोड़ा एडजस्ट कर ले मेरा भाई, थोड़ा एडजस्ट कर ले, शायद 5-6 वीडियो तक एडजस्ट कर लो है ना, वो मैं जल्दी रिप्लेस करवा दूंगा कैमरा को। फिर उसके बाद हम लोग वापस से आएंगे अच्छे से क्लियरिटी पे। लेकिन ये भी कुछ ख़राब नहीं, ये भी कुछ ख़राब नहीं है अगर तुम्हारा आँख से गौर से देखोगे तो, नहीं तो तुम अगर ऐसे ऐसे करके देखेंगे ना तो तुमको सब खराब लगेगा, ठीक है। अरे मजाक कर रहे हो यार, आ जाओ। तो आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं कॉम्प्लेक्स नंबर, तो बात कम, आज हम लोग काम को ज़्यादा स्टार्ट करते हैं, क्योंकि हम लोग को ज़्यादा से ज़्यादा कम से कम टाइम पर ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ कवर करना है, ठीक है। और क्लियर कॉन्सेप्ट तो नाम तो जानते ही हो, क्लास 11 का कॉन्सेप्ट। अच्छा अब यहाँ से हमारा टारगेट क्या है ना, पूरा तो एडवांस नहीं भाई, लेकिन देखो इतना तो टारगेट अपना है, इतना तो इंशाल्लाह अब यहाँ से टारगेट है। क्यों? क्योंकि मैं अब सोच रहा हूँ कि यह पढ़ा देना ज़्यादा बेहतर। क्यों? क्योंकि और आप बोलोगे सर बाकी सब चैप्टर का आप नहीं पढ़ा रहे, पढ़ाऊँगा मैं अभी से। ऐसा कुछ सोचा हूँ कि चलो मैं इसको भी मतलब जी मीन्स मतलब कर देता हूँ कुछ, मतलब इतना कॉन्सेप्ट पढ़ा दूंगा ना कि जी मीन्स में इत्मीनान से आप इसको कवर कर लोगे। ऐसे पॉइंट अगर जेई मेंस के सिलेबस के हिसाब से देखोगे तो आराम से जितना एक मतलब कॉन्सेप्ट होता है मैं सब समझा दूंगा। हर कॉन्सेप्ट पे जो क्वेश्चंस आ चुका है वो क्वेश्चंस करवा दूंगा, और बाकी जो डीपीपी में क्वेश्चंस मौजूद होगा उसको करिएगा, तो इंशाल्लाह आप कुछ हद तक तो कर पाएंगे। मतलब प्रैक्टिस ज़्यादा मेरा खाली वीडियो लेक्चर देखेंगे तो कुछ हद तक छू पाएंगे, और थोड़ा सा और प्रैक्टिस करेंगे तो शायद अच्छा से और बेटर कर पाए, ठीक है। तो आइए, एक तो होता है ना कि नहीं आइए मेरा वीडियो में, और जेई मेंस में 99.9% आए, उतना झूठ नहीं बोलते हम, ठीक है ना। इधर देख जितना है उतना बोल दिए, इंशाल्लाह उतना कवर करने की कोशिश करेंगे। और जो बच्चा वीक है वो बच्चा देख सकता है, वो बच्चा वीक है वो बच्चा देख सकता है, इंशाल्लाह सब समझ में आएगा। कॉम्प्लेक्स नंबर क्या है उसमें बाद में आएंगे। ये आया क्यों, क्या हम लोग को जरूरत पड़ा कॉम्प्लेक्स नंबर का, है ना। क्यों हम लोग एक नया नंबर बिल्ड किए? सर अभी तक तो आप एक रियल नंबर तक पढ़ा रहे थे, सर रियल नंबर तक जानते थे, सर ये अभी नया क्या है, है ना, न्यू। सर ये नया क्या है, नया क्या है तो मैं बता रहा हूँ, हम लोग रियल नंबर तक क्या क्या जानते थे। अगर हम लोग कोई क्वाड्रेटिक को सॉल्व कर रहे थे तो इसके वैल्यू तक हम लोग पहुँच जा रहे थे कि हमको पता है क्वाड्रेटिक के दो रूट्स, तो मुझे पता है सर ये x माइनस वन हो सकता है और ये x प्लस वन हो सकता है ना। सर इसी तरीका से मेरे पास और एक क्वेश्चन से मैं ले लूँ, एक्स स्क्वायर माइनस फोर इज इक्वल टू जीरो, नहीं समझे बात को। अगर मैं बोल दूं एक्स स्क्वायर माइनस फोर इज इक्वल टू जीरो, आप इसके भी हद तक पहुंच सके, इसके भी पॉइंट्स निकाल सकते हैं, तो मैं इसका पॉइंट्स निकाल दिया एक्स प्लस टू और एक्स माइनस टू इज इक्वल टू जीरो। बात को नहीं समझे, एक्स प्लस टू और एक्स माइनस टू इज इक्वल टू जीरो, तो पॉइंट मेरा निकल के आ रहा है ना, एक प्लस टू आ रहा है एक माइनस टू आ रहा है और एक प्लस वन आ रहा है एक माइनस वन आ रहा है, तो मेरे पास दो रूट्स आ रहे हैं क्वाड्रेटिक के। लेकिन हम लोग को नीट क्यों पढ़ा कॉम्प्लेक्स नंबर, एक नया नंबर इजहार करने का नीट से इसलिए पढ़ा कि जब हम लोग क्या किए ना, इसी क्वेश्चंस को थोड़ा सा रिबिल्ड करके मतलब बोला कि ऐसा तो ठीक है, ये तो सर आप अच्छा बता रहे, लेकिन अब हमको ये बताइए कि इसका क्या करिएगा। तो हम लोग यहाँ फंस गए, यहाँ पर फिर वो मैथमेटिशियन जो किया वो फंस गया, बोले कि अरे यार इसको कैसे सॉल्व करिए, ये सब तो दर दर निकल जा रहा है, फंस तो हम लोग यहाँ जा रहे हैं क्योंकि ये क्वाड्रेटिक में कभी पॉसिबल होगा नहीं। अरे पॉसिबल होता क्या, कैसे पॉसिबल होता, आप बोलते एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस वन, अब ये माइनस वन में स्क्वायर हटेगा रूट, अब भाई रूट के अंदर में कभी कोई नेगेटिव वैल्यू होता है क्या, नहीं होता है, तो उसको लिए उसको हटाने के लिए ना, अब उसको मतलब नया इजहार करने के लिए वो बोला कि चलो हम लोग इसको पता नहीं है इसको क्या है, लेकिन एक इमेजिनेशंस, अब देखा जाओ तो एक इमेजिनेशंस बोल सकते हो इसको। क्या बोला कि मान लो कि एक इमेजिनरी नंबर है, एक इमेजिनरी नंबर मान लो रूट ऑफ माइनस वन, वही इमेजिनरी नंबर को नाम क्या दे दिया, वो बोला ना कि इसका नाम हम लोग रख देते हैं आई स्क्वायर माइनस वन, ये एक्स क्या नाम दे दिया, कोई इमेजिनरी कोई भी वैल्यू एक्स का दे दिया, वो वैल्यू का नाम दे दिया आई। बात को समझ में आया, अब वो आई को क्या बोल दिया कि ये आई कुछ नहीं ये आयोटा है, है ना, ये आई कुछ नहीं ये क्या है आयोटा है। बात को समझ में आया, अभी देखते जाइए आप देखते जाइए, ये आई स्क्वायर रूट ओवर ऑफ माइनस वन इसको नाम दे दिया, बोला कि जब जब इस केस यहाँ पर ऐसा केस आएगा तो हम लोग वहाँ पर उसको क्या बोलेंगे, एक आयोटा से रिप्लेस कर देंगे, सॉरी आई एम सॉरी आई आई स्क्वायर मैं बोल रहा हूँ आई, क्योंकि रूट हटने के बाद रूट लगने के बाद ये एक्स हो जाएगा,
तो ये एक्स का क्या वैल्यू, एक्स का क्या नाम दे दिया, बोला ये कि इमेजिनरी नंबर ले लो, इसको बोल दो कि इमेजिनरी नंबर है, उसको आयोटा मान लो और आयोटा से आई से रिप्रेजेंट कर दो, ठीक है, इतना कर लो, कर लिया वो। अब करने के बाद वो बोला कि, अब उसके बाद वो एक्सप्रेशन निकालने लगा, बोला कि अगर हम आई को, अगर हम आई को रूट ओवर ऑफ माइनस वन बोल रहे हैं तो क्या हम ऐसे भी तो बोल सकते हैं आई स्क्वायर को माइनस वन, स्क्वायर इधर आ जाएगा, हाँ अरे बोल सकते हैं। तो सर अब सीरियल वाइज यही है ना, अब क्यों आधा में रुक जा रहे हैं, हम बोले जा रहे हैं सबर कर, आई क्यूब को तुम क्या बोल सकता है, तो हम आई स्क्वायर का वैल्यू निकाल लेंगे आई इंटू आई, क्योंकि ये दोनों बाई द लॉ ऑफ इंडिसेस पावर दोनों ऐड हो जाता है बेस सेम होने से। तो आई स्क्वायर अभी हम तुरंत पढ़े माइनस वन और इंटू आई, तो माइनस वन इंटू आई क्या माइनस आई, मतलब हर एक का निकलते जा रहा है। अच्छा आई फोर क्या होगा, आई स्क्वायर इंटू आई स्क्वायर मतलब माइनस वन इंटू माइनस वन, तो माइनस वन इंटू माइनस वन होता है प्लस वन, इतना तो समझ में आया। तो इस तरीका से ये चार वैल्यू निकालते चला गया है ना, और उसके बाद भी निकलेगा ये, आई फाइव निकल सकता है, आई सेवन निकल सकता है ना, बहुत तरीका के निकल सकता है। आप ऐसे भी निकाल सकते हो, आई का पावर फोर एन दे दिया मान लो, आप बोले अरे सर ये क्या मजाक कर रहे हैं, फोर एन दे दिया मतलब इसको कैसे सॉल्व करेंगे, अरे मेरा भाई अब इंडिसेस का रूल अप्लाई कर लो, आई फोर का पावर एन, ऐसे तो कर सकते हैं हम लोग, ये बाय द लॉ ऑफ इंडिसेस हम लोग कर सकते हैं कि दोनों में ऊपर में दोनों प्रोडक्ट हो जाएगा है ना, दोनों का पावर उसका पावर को उसका पावर आएगा, तो दोनों पावर प्रोडक्ट में हो सकता है। तो हम इंटरचेंज किया, अब आई फोर हमको पता है वन, वन का पावर एन, अरे वन का कुछ भी पावर हो आंसर तो वन आने वाला है, अरे आंसर तो वन आने वाला है, बात को समझ में आया। तो खैर ये तो एक बेसिक सा चीज़ था, अब क्वेश्चंस करके हम लोग और बहुत सारे चीज़ समझेंगे, तो इसको मैं रब करता हूँ। सर वैल्यू तो बता दिए, ये निकाल दिया, इसी के लिए थोड़ा स्पीड पढ़ा रहा हूँ, ये कोई इतना जानने वाला नहीं है यार, इसको रट लो सला, दिमाग उमाग खराब करता है। डायरेक्ट बोलो आई क्या है रूट ओवर ऑफ माइनस वन, आई स्क्वायर क्या है माइनस वन, बात को समझ में आया, डायरेक्ट समझो। अच्छा अब क्या समझने वाला चीज़ है, सर आप बोल रहे आई फोर आई फाइव आई सिक्स आई सेवन आई एट नाइन, सर आई बहुत बड़ा नंबर होगा तो फिर कैसे सॉल्व करेंगे, अगर आई बहुत बड़ा नंबर होगा तो कैसे सॉल्व करेंगे, तो वो बुक में बता दिया ना कि आई अगर कभी भी बड़ा नंबर हो, आई अगर कभी भी बड़ा नंबर हो तो बड़ा नंबर से डरना नहीं है, वो बड़ा नंबर से डरना नहीं है, क्योंकि वो बोल रहा है कि वो फोर का मल्टीपल होगा, वो फोर का मल्टीपल होगा मतलब आई मान लो कि कोई बड़ा नंबर है, तो ये आई का जो पावर एन है ना कोई बड़ा नंबर है, वो किससे रिप्लेस हो सकता है, आई का पावर आर से, अवेयर आर क्या है, आर क्या है, आर क्या है, आर है रिमाइंडर, आर क्या है, आर है तुम्हारा रिमाइंडर है ना, आर क्या है रिमाइंडर, सर किसका रिमाइंडर, सर ये फोर से मल्टीपल का रिमाइंडर है ना, फोर का मल्टीपल, मल्टीपल ऑफ फोर है ना, मल्टीपल ऑफ फोर, तो अगर तुम फोर का मल्टीपल करोगे तो रिमाइंडर क्या आएगा, तो आर तुमको ये तो पता ही होगा जीरो आ सकता है, नहीं तो लेस देन फोर है ना, जीरो वन टू थ्री, जो मैं एक बार ट्रिग्नोमेट्री में भी बताया था है ना, इस टाइप का जब बड़ा नंबर आएगा तो उसको फोर से मल्टीपल कर देना। अब बोलोगे सर फोर से मल्टीपल कर देने का मतलब नहीं समझ में आया, मेरा भाई बात को सिंपल सा समझो, अगर हम लोग फोर से मल्टीपल कर देंगे है ना, तो मेरा ये जो आर आएगा, ये जो मेरा आर आएगा, जो रिमाइंडर बचेगा मेरा, वो रिमाइंडर जीरो से फोर के भीतर आएगा, तो वो रिमाइंडर हम यहाँ तक ढालेंगे तो हमको पता है ना, हमको पता है कि आई जीरो से लेके आई फोर तक का वैल्यू हमको पता है, आई जीरो से लेके आई फोर तक का वैल्यू निकालना आसान है, क्योंकि अच्छा आई जीरो का वैल्यू भी लिख लो, आई टू द पावर जीरो वन बाय द एक्सपोनेंट, जो ए का पावर जीरो वन होता था, याद आया एक्सपोनेंट में जो हम लोग पढ़ते थे, कोई भी नंबर का पावर अगर जीरो है तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, उसको हम लोग वन बोलेंगे, तो उसी तरीका से इसको भी तुम याद कर लो, ये समझ में आया। अच्छा ये पावर आर अभी भी नहीं समझ में आया सर, कुछ क्वेश्चंस कराइए, मैं बोला लो एक क्वेश्चंस ले लिया, आई टू द पावर माइनस नाइन 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 नाइन, सर इसको सॉल्व करिए, मैं सॉल्व करने के लिए अप्रोच किया, आई टू द पावर माइनस बाय द लॉ ऑफ इंडिसेस मुझे पता है कि वो नीचे आ जाएगा है ना, रेसिप्रोकल हो जाएगा अगर पावर माइनस रहा तो। अच्छा अब क्या करना है सर, 99 को 4 से डिवाइड करिए, 99 को 4 से डिवाइड करिए, 4 से डिवाइड करेंगे क्या आएगा, 4 2 जा 8 है ना, 4 4 जा 16 है ना, 4 9 जा 36, क्या रिमाइंडर आ रहा अभी आप बताइए, अरे रिमाइंडर क्या आ रहा अभी आप बताइए, हम कुछ नहीं बोलेंगे, ये रिमाइंडर क्या आ रहा है, रिमाइंडर 3 आ रहा है, तो ये किसके बराबर हो सकता है, आई के पावर 3 के बराबर, क्योंकि इसका जो वैल्यू आएगा, इसका जो वैल्यू आएगा वो वन आई टू द पावर 999 का वैल्यू भी सेम आएगा, क्यों, क्योंकि वो हर बार रिपीट भी होता है, जैसे कि
आप अगर बोलोगे ना आई का पावर जीरो से लेके वन, आई स्क्वायर माइनस वन है ना, आई क्यूब माइनस आई, आई फोर वन है ना, फिर उसके बाद फिर अभी आई फाइव करोगे तो आई फाइव क्या हो जाएगा, फिर आई, तो बार 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 वो क्या होगा, नीचे रिपीट होते जाएगा हर चार नंबर के बाद, समझ में आया। तो अभी अभी हमको एक बात बताओ कि सर आप बोल रहे इसका ये सेम आएगा, हाँ हम नहीं बोल रहे, बुक बोल रहा, बुक में से बोल रहा कि हम जो भी उसका डिवाइड करेंगे रिमाइंडर आएगा, वो आई का पावर जो आंसर आएगा रिमाइंडर डालने के बाद, ये जो रिमाइंडर डालने के बाद जो भी आंसर आएगा वो मेरा आई टू द पावर जितना भी बड़ा बिग नंबर हो उसका आंसर होगा। तो आई क्यूब होता क्या है सर, आई क्यूब क्या होता है, तो सर आप ऐसे भी निकाल सकते, लेकिन अपने को तो ऊपर तक लेके जाना, अपने को तो रेसिप्रोकल में नहीं छोड़ना है। तो हम क्या करेंगे, बस अपना पुराना वाला जो कॉन्सेप्ट जो हम लोग शुरू से पढ़ते आए हैं, वो पुराना कॉन्सेप्ट कहता है ऊपर नीचे आई का मल्टीप्लाई कर दो, और ऊपर नीचे आई का मल्टीप्लाई करेंगे तो मेरा हो जाएगा ऊपर में आई, नीचे में हो जाएगा आई फोर, अब आई फोर होता है वन, खाली आई बच गया, दैट इज़ आवर रिक्वायर्ड आंसर, दैट इज़ आवर रिक्वायर्ड आंसर। बात को समझ में आया, कुछ हार्ड था नहीं था, तो किस तरीके से अप्रोच करना समझ में आया। कोई भी अगर नंबर का पावर बड़ा हो, आई का पावर बहुत बड़ा हो, उसको फोर से डिवाइड करना, जो भी रिमाइंडर आएगा आई का पावर में लगा देना, है ना, ये दोनों का जो सोल्यूशन आने वाला वो सेम आएगा। बात को समझ में आया, है ना। हम नहीं बोले कुछ, हम ऐसा कुछ बोले ही नहीं, ये बुक बोल रहा है, हम कुछ नहीं बोल रहे भाई, हम भी ऐसे ही पढ़े, तुम भी वैसे ही पढ़ो, ठीक है। अच्छा सर, और कुछ क्वेश्चन हम लोग कराते हैं, और कराते मैं बोला ना मेंस लेवल तक हम लोग जितना क्वेश्चन है सब सॉल्व करेंगे, ठीक है। मेंस लेवल में ऐसा क्या क्वेश्चन आता है जो अपने को समझ में नहीं आता, ऐसा तो कुछ है नहीं, समझ में तो तुरंत आ जाना चाहिए। अच्छा सर, एक काम करिए, आप कुछ क्वेश्चन ले लेते हैं माइनस रूट ओवर ऑफ माइनस वन का पावर फोर एन प्लस, फोर एन प्लस ले लेते हैं वन, ले लेते हैं फोर एस प्लस वन, फोर एन प्लस थ्री ले लेते हैं, आप बोल देते हैं कि एन बिलोंग कर रहा है नेचुरल नंबर को, ठीक। सर इसको सॉल्व करके दिखाइए, हाँ सॉल्व करेंगे ना, पैसा थोड़ी लग रहा, सॉल्व करने में पैसा थोड़ी लग रहा, इधर देख। अभी हम बोल रहे हैं कि इसको कैसे सॉल्व करेंगे सर, सब पावर में है और यह रूट ओवर ऑफ माइनस वन, तो पहले तो हमको ये बताइए कि अभी आप हमको ये बात बता दिए थे कि, अरे यहाँ तो लिखे हुए नहीं, नहीं तो आई टू द पावर जीरो है ना सर, आई का जब वैल्यू है जो इमेजिनेशन की है हम लोग, इमेजिनरी नंबर जो लिए वो आयोटा मान के चले कि मान लो ये आयोटा है ना माइनस वन, तो अब जैसे माने तो वैसे जब क्वेश्चन में आया तो लिखने में तुमको पैसा लग रहा है, तुम लिख लो, हम लिख लिए है ना, रूट ओवर ऑफ माइनस वन को क्या माने हम, आई माने थे है ना, उसको मान के चले थे, इसमें तो पैसा नहीं लग रहा है सर। अच्छा अब क्या बताना चाह रहे हैं, बताना कुछ नहीं चाह रहे, इसको लिखो ना फोर एन प्लस थ्री। अच्छा अब एक मिनट, मार्कर बार बार ना मतलब ये कर ले रहा, सूख जाए, मैं फ़ैन ऑफ कर देता हूँ, दो मिनट, एक सेकेंड बस मैं फ़ैन को ऑफ करता हूँ। अच्छा अब सुनो, ये मूड ख़राब कर रहा फ़ैन, उन सब दुनिया पूरा झोल हो गया है, इधर देखो मैं बोल रहा हूँ कि ये हो गया। अच्छा अब क्या करेंगे सर, अरे सिंपल सा बात है, ऐड में है, बेस सेम है, तो मैं एक चीज़ तो डेफिनेटली कर सकता हूँ, फोर एन को यहीं रखो, अब माइनस आई के साथ थ्री को यहाँ रखो, है ना, बेस सेम होगा तो पावर ऐड हो जाएगा। अरे सर और आप क्या बताना चाह रहे हैं, कुछ कुछ खुल के बताइए, अब खुल के बता रहे हैं ना भाई, माइनस आई है तो माइनस वन इंटू आई, अब माइनस वन का पावर फोर एन है, माइनस वन का पावर फोर एन है, फोर कुछ भी मल्टीप्लाई करेंगे तो हमको हमेशा पॉजिटिव ही देगा ना भाई, फोर तो एक ऑड नंबर, इवन नंबर हुआ, अब इवन नंबर का जितना भी मल्टीप्लाई करेंगे हमको एक इवन नंबर ही मिलेगा, है ना, एक इवन नंबर ही मिलेगा। अब इवन नंबर का जितना भी माइनस वन का या वन के साथ पावर कर दो, हमेशा वन पॉजिटिव में आएगा, तो वन लिखे ना लिखे चलेगा, तो हमारे पास बचेगा क्या, आई टू द पावर फोर एन आई इन टू, अब इसका तो तुम जानते हो माइनस आई क्यूब आएगा, अरे माइनस वन का क्यूब, माइनस वन का क्यूब माइनस वन ही आएगा, और आई क्यूब रह गया, अभी हम सॉल्व नहीं किए हैं, माइनस आई क्यूब रहने दो। अब आई का पावर फोर एन अभी हमको मालूम चला वन होगा, क्यों, क्योंकि देखो दोनों प्रोडक्ट में, तो दोनों को ऊपर नीचे लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं ना आई का पावर फोर पावर एन, और आई का पावर फोर क्या होता है वन, और आई क्यूब क्या होता है, अरे आई क्यूब क्या होता है, फिर भूल गया आई क्यूब होता है माइनस आई, अरे आई क्यूब होता है माइनस आई। अब यहाँ देख, आई फोर हुआ वन का पावर एन इंटू प्लस आई, तो आंसर तो खाली आई आएगा, आ गया आंसर, इसका भी आंसर आई आया, अरे इसका भी आंसर आया आया, मैं देख लूँ कुछ गलत नहीं, करेक्ट, अरे हवा में करेक्ट है, उड़ जाओ हवा में उड़ जाओ। और कुछ क्वेश्चन देख लूँ, हाँ एक क्वेश्चन और है, तो बोले वो सर कुछ और क्वेश्चन कराइए, मैं बोला एक क्वेश्चन और ले लेते हैं, टेंशन रखो बोला एवेल्यूएट करने के लिए, बोल रहा है एन वन से लेके थर्टीन तक गया हुआ है। अच्छा बोल रहा है आई का पावर एन प्लस आई का पावर एन प्लस वन करने के लिए, अब बोल दिया है एन बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। अच्छा इसको सॉल्व करके दिखाइए, उतना दिमाग मत लगाइए सर आप, हम कर रहे भाई सबर कर सर, कैसे करेंगे ये, क्या समेशन वमेशन दे दिए, समेशन का मतलब तो समझ में आया होगा ना यार,
आप लोअर क्लास में भी कभी पढ़े होंगे, समेशंस मतलब क्या, ये पावर तुम एन का पुट करते जाओगे, सम पे लिखाते चले जाएगा, नहीं समझे? जैसे कि मान लो आई टू दी पावर एन है और समेशन वन से लेके मान लो थ्री तक, तो तुम क्या लिखोगे, आई प्लस आई स्क्वायर प्लस आई क्यूब, ये समेशन हो गया, ये लिखोगे ना? तो बस यही चीज़ है, ये उसमें उतना जानने का मतलब क्या, वही चीज़ है, लेकिन तुम लोग समझोगे तब ना। सब तो घोड़ा डी में, तुम लोग इधर देख, ये मार्कर भी इतना मोटा मोटा लिखा रहा, कोई बात नहीं, सब तुम्हें लिए अच्छा है। इसको सॉल्व कैसे करें सर? क्या काम करते हैं, वन का पुट करने के बाद वन, फिर टू, फिर उसे समेशन लिखते चले जाए। अब उतना लंबा लिखेगा तो तुम एग्जाम में ये एक मार्क का क्वेश्चन होगा, तो एक मार्क के लिए तुम इतना पापड़ बेलेगा भाई? अरे उतना पापड़ नहीं बेल, देख दिमाग लगा, ये समेशन को यहाँ रहने दे, है ना, मुझे यहाँ से क्या कॉमन दिख रहा है, आई का पावर एन है ना, सॉरी आई का पावर एन प्लस पावर एड है, तो हम आई का पावर एन इंटू आई कर सकते हैं, इतना किए, इतना समझ में आया? अच्छा अब क्या कर सकते हैं सर, सिंपल सा बात है, काम करो, समेशन वन से लेके थर्टीन तक लिख दो, आई का पावर एन कॉमन जा रहा है ले लो, आई का पावर वन कॉमन लिए तो अंदर क्या बचा, आई प्लस वन, अरे अंदर आई प्लस वन बचा। अच्छा अब क्या करोगे, अरे सर अब क्या करोगे, सिंपल सा बात है, कोई ज़्यादा हार्ड नहीं है, अब आई प्लस वन कोई रोल तो नहीं है, क्योंकि समेशन किसका दिया हुआ है, एन का दिया हुआ है, तो जिसका रोल नहीं है उसको बाहर करो, ये बहुत रोल लेता है इन लोग को बाहर करो, तो अंदर में क्या बचेगा, अरे अंदर में वन से लेके थर्टीन तक आई का पावर एन बचेगा। लेकिन इसको सॉल्व कैसे करें सर? अब आप बोलोगे सर आई का पावर एन आ गया, मतलब हम क्या ऐसे लिख दे, अब ऐसे लिखाएगा ही, अब उसमें कहने का मतलब क्या सर, इनटू में कैसे लिखाएगा, ये ऐसे लिखाएगा ना, आई आई स्क्वायर आई क्यूब आई फोर डॉट 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 आई थर्टीन तक, हाँ हम तो बोल रहे करेक्ट है, इतना तो लिखाएगा ही। लेकिन अपने को जानने की बात है सर, इसका आंसर क्या आएगा, इसका आंसर क्या आएगा? तो एक चीज़ तो एकदम एग्जाम अभी से दिमाग में रख लो, मैं जो बोलना चाह रहा हूँ कि आई से लेके आई फोर तक का जो समेशन होता है वो जीरो के बराबर होता है। अब देख लो ना, अब देख लो, मैं मानने के लिए नहीं बोल रहा हूँ, मैं प्रूफ कर रहा हूँ, मान लेगा तो झोल हो जाएगा, मैं प्रूफ कर रहा हूँ। मैं बोला कि आई से लेके आई फोर तक का पावर आप समेशन सम उसका जीरो बता रहे सर, आप बताइए क्यों, कैसे हुआ जीरो? तो हम बोले सर लिख लेते हैं आई आई स्क्वायर आई क्यूब आई फोर, ये जीरो के बराबर है। आप बोलोगे सर कैसे बताइए, तो मैं बोला आई आई स्क्वायर क्या होता है माइनस वन, आई क्यूब क्या होता है माइनस आई, और आई फोर क्या होता है प्लस वन। अब जीरो आया कि नहीं देख ले, अरे मेरा भाई देख लेना, कट गया, प्लस माइनस कैंसिल आउट हो गया, जीरो आया। तो जब आई से आर फोर तक का वैल्यू जीरो होता है, मतलब हर चार सम का जो आयोटा का जो चार सम है, हर आयोटा को जो चार सम है आई आई स्क्वायर आई क्यूब आई फोर, उसका क्या होगा, जीरो होगा। अब उसके बाद आप बोलोगे सर चेंज करिए, तो आई फाइव आई सिक्स आई सेवन आई एट, अब करके देखिए सर, आप करके देखिए ना, आई फाइव मतलब आई फोर क्या होगा वन, तो बचेगा क्या, सिर्फ आई। आई सिक्स, आई सिक्स मतलब भाई सिंपल सा बात, आई फोर क्या होगा, अरे आई फोर क्या होगा वन, और फिर इंटू आई स्क्वायर, आई स्क्वायर क्या होगा माइनस वन हुआ। अब आई सेवन, आई सेवन जब आई सिक्स माइनस वन हो रहा है और आई बचेगा, आई सिक्स जब अब आई देखो यहीं पर मालूम चल गया आई सिक्स क्या हुआ माइनस वन, तो माइनस वन इंटू आई, तो ये क्या हो जाएगा माइनस आई, और आई एट फिर वही फोर का मल्टीपल, फोर का मल्टीपल वन, अरे भाई फोर का मल्टीपल वन, आई फोर आई फोर वन इंटू वन तो वन, तो फिर कैंसल आउट होकर जीरो आया। तो हर फोर का जो सम है पावर में जो आई से लेके आई फोर तक वो जीरो आ रहा है, तो सर और उसके बाद भी तो चार आ रहा है ना, अभी आठ तक गए तो दोनों जीरो निकल के आ गया, जीरो प्लस जीरो, फिर सर आठ के बाद भी तो है नौ दस ग्यारह बारह, हाँ तो नौ दस ग्यारह बारह तक ले लो ना, यहाँ तो तेरह तक है ना, यहाँ तो सर थर्टीन तक है, अब ये थर्टीन तक है तो हम बारह तक ले लेते हैं, तो इसके बाद और इसके बाद मतलब बारह तक का पूरा सम जीरो हो गया, तो बारह तक का जीरो सम हो गया तो लास्ट में बचेगा क्या, अगर हम आई ट्वेल्व तक खा गए, आई ट्वेल्व तक हम ले लिए तो लास्ट में मेरा पास आई ना बचेगा, आई बारह तो छीन लिए, अरे आई बारह तो छीन लिए ना, समेशन में आई बारह तक तो ले लिए, तो लास्ट में बचेगा मेरा पास क्या, अरे मेरा पास तो आई बचेगा ना मेरा भाई, आई बचेगा, तो आई बारह तक का सम जीरो हो गया तो आई बचा है ना, क्योंकि आई ट्वेल्व इंटू आई, तुम इसको क्या लिखेगा आई ट्वेल्व इंटू आई, तो आई बारह सम का तो जीरो हो गया, जीरो बोलते हैं आई बारह तक का सम तो ये हो गया जीरो हो गया है ना। तो अब उसके बाद उसको तुम चेंज कर लो, बात को नहीं समझे, फिर तुम झोल कर रहा, दुनिया में यही सबसे बड़ा झोल है। आई बारह क्या होता, आई बारह होता वन, जैसे यहाँ पर आई एट वन आया तो आई बारह वन होता, और आई का पावर खाली वन बचता है ना,
तब ना दोनों का बेस सेम रहता तो 13 होता, तो आई बचा। तो अब वो आई को कुछ नहीं करना, जो आई बचा है आई प्लस वन में इंटू आई कर देना और आंसर आ जाएगा तुम्हारा आई स्क्वायर प्लस आई, जिसको तुम बोलेगा आई स्क्वायर क्या होता है माइनस वन, तो आई माइनस वन दैट इज आवर आंसर, आई माइनस वन दैट इज आवर आंसर। बात को समझ में आया? इस तरीका से हम लोग आयोटा का किए। तो बोलोगे सर टाइम बहुत जल्दी जल्दी खा रहा, आप थोड़ा जल्दी जल्दी पढ़ाई। ए भाई बेसिक से इतना तो रख ले, चल इसको मैं रब करता हूँ और उसके बाद एक थ्योरम थोड़ा बता देता हूँ, ठीक है जल्दी से। इमेजिनरी, इसको तो इमेजिनरी बोल रहे हैं, एक थ्योरम बता देता हूँ फटाफट। इमेजिनरी क्वांटिटीज है ना, इमेजिनरी क्वांटिटीज, इमेजिनरी क्वांटिटीज, ठीक है। इमेजिनरी क्वांटिटीज में एक चीज याद रखना कि इफ ए और बी आर पॉजिटिव रियल नंबर देन, याद रखना माइनस ए इंटू माइनस बी। अब ए अभी पॉजिटिव है लेकिन उसके साथ नेगेटिव जुड़ा हुआ, क्योंकि अगर ये दोनों पॉजिटिव हो जाता है ए बी तो दोनों पॉजिटिव हो जाता, तो उसका आंसर होता है माइनस रूट ओवर ऑफ ए बी। अब तो समझ में आ ही गया होगा भाई कैसे आया वो। सिंपल सा बात है कि आप ये माइनस वन इंटू रूट ए अलग करिए, अरे माइनस वन इंटू रूट ए है ना, तो आप क्या लिखेंगे माइनस वन, और इसी को भी ऐसे करेंगे माइनस वन इंटू रूट बी है ना, माइनस वन अलग किए तो रूट वन और रूट ऑफ माइनस वन, रूट ऑफ माइनस वन क्या होता है आई, अरे आई होता है ना, आई होता है। अब आई इंटू आई क्या होगा आई स्क्वायर बी, और आई स्क्वायर क्या होता है माइनस वन ए बी आया है ना, तो माइनस वन का जगह माइनस में लिखेंगे चलेगा, ये याद रखिएगा ठीक है। चलिए इतना समझ में आया। अच्छा अब सर और क्या जानने वाला है, और क्या जानने वाला, आप कुछ जानने वाला नहीं, डायरेक्ट कॉम्प्लेक्स नंबर में कूदो। कॉम्प्लेक्स नंबर क्या है, अब हम लोग कॉम्प्लेक्स नंबर समझते हैं। सर आयोटा के बारे में तो जान गए कि इमेजिनरी एक इमेजिनेशंस की एक इमेजिनरी लाइन ले ली है ना, इमेजिनरी मतलब समझो। कॉम्प्लेक्स नंबर एक ऐसा नंबर है ना, कोई भी दो रियल नंबर मान लो ए और बी कोई रियल नंबर है ना, ए बी आर टू रियल नंबर है ना, टू रियल नंबर मान लो ए और बी कोई टू रियल नंबर है, तो बोल रहा है कॉम्प्लेक्स नंबर कि उसका जो रिप्रेजेंटेशन होगा वो जेड से होगा। देख हम जेड ऐसे लिखते हैं, मेरा शुरू से आदत है, हम सेट्स चैप्टर से बता रहे हैं, हम जेड ऐसे लिखते हैं। उसका जो एक्सप्रेशन जो दिखाने का रिप्रेजेंटेशन है वो ए प्लस आई बी के फॉर्म पे होगा। बात को नहीं समझी, वो ए प्लस आई बी के फॉर्म पे होगा, बात को समझिए, ये ए प्लस आई बी के फॉर्म में होगा। सर जिसमें कि जो ए है ना, जिसमें कि जो ए है वो मेरा क्या होगा, वो होगा रियल पार्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, और सो बी जो होगा वो होगा इमेजिनरी पार्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। बात को समझ में आया, ये रिप्रेजेंटेशन का तरीका, ये रियल पार्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, ये मेरा क्या है इमेजिनरी पार्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। इतना समझ में आया, एक कॉम्प्लेक्स नंबर को दिखाने का तरीका किसके फॉर्म में होगा, कॉम्प्लेक्स नंबर किसके फॉर्म में होगा, जेड इज इक्वल टू ए प्लस आई बी। अब ऐसा जरूरी नहीं कि ए प्लस आई बी हो, इसके जगह में ये भी हो सकता है जेड इज इक्वल टू एक्स प्लस आई वाई, अरे एक्स प्लस आई वाई का भी फॉर्म में हो सकता है, इसमें कोई हर्ज नहीं। बात को समझ में आया, इससे कोई मतलब नहीं। अच्छा एक कॉन्सेप्ट और इसमें, ये प्योरली रियल कब होगा याद रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, क्वेश्चंस भी आता है इसमें। अगर तुमसे कोई बोल दिया कि एक कॉम्प्लेक्स नंबर प्योरली रियल कब होगा, प्योरली रियल तभी होगा ना जब इमेजिनरी पार्ट क्या होगा, जब वाई मेरा क्या होगा, y मेरा जीरो होगा है ना। जब प्योरली रियल होगा तो इमेजिनरी पार्ट क्या होगा, जीरो होगा नहीं होगा, अरे इमेजिनरी पार्ट ऑफ z क्या होगा, जीरो होगा। तब ना अगर ये जीरो होगा तो x सिर्फ प्योरली रियल निकल के आएगा। अच्छा एक कॉन्सेप्ट, अगर प्योरली इमेजिनरी रहा तो, सर प्योरली इमेजिनरी रहा तो कोई हर्जा नहीं है, प्योरली इमेजिनरी रहा तो x फिर जीरो होगा। बात को समझ में आया, फिर x जीरो होगा। बात को समझ में आया सर, दोनों जीरो होगा, सर दोनों जीरो होगा, मान लो x इज इक्वल टू y इज इक्वल टू जीरो, अगर दोनों जीरो हुआ कॉम्प्लेक्स नंबर का, दोनों x और y जीरो हुआ तो जीरो प्लस जीरो वाई, एक बोलने का तरीका है। हालांकि ऐसा कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है नहीं, बस जीरो प्लस जीरो वाई मान के चलो है ना। अब दोनों जीरो हो गया तो ना इमेजिनरी पार्ट है ना रियल पार्ट, समझ में आया, कॉम्प्लेक्स नंबर जीरो हो गया। बात को समझ में आया, तो याद रखना जब प्योरली रियल था तो y मेरा जीरो है, तभी मेरा कॉम्प्लेक्स नंबर प्योरली रियल होगा। प्योरली रियल कब होगा, जब कॉम्प्लेक्स नंबर का इमेजिनरी पार्ट जीरो हो। अब प्योरली इमेजिनरी कब होगा, जब रियल पार्ट जीरो हो, ठीक है। इतना समझ में आया। अच्छा और कुछ
इसमें बताने का। हाँ, और आते हैं हम लोग, इतना समझ में आया, मैं इधर रब करता हूँ, ये तो समझ में आ गया है ना। क्योंकि अच्छा, ये जो इमेजिनरी क्वांटिटी है, तुम बचपन में क्या पढ़ा होगा, तुम पढ़ा होगा सर, पढ़ा होगा ना, मतलब 2 × 2 मतलब 2√3, तो हम लोग 6√ बोल सकते हैं, है ना, 6√ बोल सकते हैं, दोनों इंटू हो जाता है। लेकिन एक्चुअली में ऐसा है नहीं, मतलब अगर तुम नेगेटिव वाला जो तुम दे देगा ना नंबर, अगर तुम नेगेटिव के साथ अगर तुम नंबर दे देगा तो तुम फंस जाएगा। ऐसे तुम इसको क्या बोलता, −2√(−3), तो तुम क्या बोलता सर, +6, ऐसा नहीं होता, ये गलत है भाई। देख अभी क्या है ना कि इमेजिनरी पार्ट, क्योंकि हम लोग √(−1) को हम लोग आई बोल दिए, बात को समझ में आया, √(−1) को हम लोग आई बोल दिए हैं, तो इसमें आपको हर्ज नहीं होना चाहिए अपने को, बात को समझ में आया, इसमें अपने को तकलीफ नहीं होना चाहिए। अच्छा सर, इतना बताने के बाद और क्या बता रहे हैं? सर हम बताना चाह रहे हैं इक्वलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। अच्छा अभी हम जेड को लिखते डायरेक्ट, समझ में आया ना बात को, देख मार्कर बर्बाद नहीं कर यार, दिमाग नहीं खराब, माफ करना, जेड कॉम्प्लेक्स नंबर, ठीक है, CN। अच्छा रुक, लिख दे रहे बाबा ने तो तुम लोग बड़ी मारेगा, है ना, C.N चल ले, ठीक है, आप कॉम्प्लेक्स नंबर है ना, जेड से रिप्रेजेंट करते हैं। तो इक्वलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर क्या कहता है, इक्वलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर कहता है कि अगर एक कॉम्प्लेक्स नंबर मान लो कि a1 + ib1 है ना, और एक कॉम्प्लेक्स नंबर है बोल दो a2 + ib2 है, तो इक्वलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर कहता है कि a1 must be = a2 होगा, बात को समझ में आया, और b1 must be = b2 होगा, समझ में आया, रियल पार्ट एक दूसरे के इक्वल होगा और इमेजिनरी पार्ट एक दूसरे के इक्वल होगा। वही याद आया, नहीं याद आया, कहाँ से याद आएगा, सब तो भूल गया, ऑर्डर्ड पेयर जो पढ़ाए थे, ऑर्डर्ड पेयर है ना, इक्वलिटी ऑफ ऑर्डर्ड पेयर जो पढ़ाए थे, इक्वलिटी ऑफ ऑर्डर्ड पेयर जो पढ़ाए थे हम, कैसे पढ़ाए थे इक्वलिटी ऑफ ऑर्डर्ड पेयर, जो x का x के साथ y का y के साथ इक्वल होगा, है ना, सेम इसी तरीका से कॉम्प्लेक्स नंबर में भी है, CN है ना, कॉम्प्लेक्स नंबर में भी है, रब करें, अच्छा इधर वाला रब करते सर, इक्वलिटी ऑफ करवा दिए सर, मतलब इस पर क्वेश्चन भी आने वाला है, मतलब हाँ आएगा, एक क्वेश्चन ले लेते हैं, समझ में आ जाएगा, डायरेक्ट टफ लेते हैं, इजी वाला लेने से कोई फ़ायदा नहीं है, बुक में बोल रहा है क्वेश्चन, 1 + i y² है ना, +6 + i = 2 + i × x, ये बोल रहा है क्वेश्चन, है ना, अच्छा फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y बोल रहा है, ऊपर में लिखा नहीं है, फाइंड x एंड y, खाली ऐसे लिख दो ना, फाइंड x एंड y। अच्छा मैं देख लूँ क्या कैमरा ब्लर हो गया क्या, एक मिनट, नहीं चलेगा मेरा भाई, चलेगा, ठीक है, इधर ध्यान दो, समझ में आया, इसमें तो कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अच्छा इसको करेंगे कैसे सर, ये इक्वलिटी ऑफ मैट्रिसेस का जैसे ही सॉल्व होगा। अब देखो ना मैं क्या बोला, रियल पार्ट एक तरफ इक्वेट करना, इमेजिनरी पार्ट एक तरफ इक्वेट करना, कर दो, करने से पहले अपन लोग खोलेंगे, तो हम लिखेंगे y² + 6 + i = 2x + ix, ये लिख दिए हम, बात को समझ में आया। अच्छा अब हम क्या कर सकते हैं सर, क्या क्या मेरे पास फंडा है, तो हम बोले एक काम करो, सब रियल पार्ट को एक तरफ लिया हो ना, y² + 2x + 6 है ना, अब उसके बाद +iy² - ix और +i = 0, बात को समझ में आया। अच्छा एक मिनट, दो कॉम्प्लेक्स नंबर, अच्छा इक्वल है ना, मैं उधर क्यों ले रहा हूँ, अच्छा एक मिनट, मैं इसको एज इट इज़ छोड़ देता हूँ, इसको एज इट इज़ छोड़ देता हूँ, मुझे इक्वेट करना है ना, मैं इक्वेट कर लेता हूँ, उसमें क्या हर्ज है। देखो मैं क्या लिया, y² + 6 को एक तरफ ले लिया है ना, अब ध्यान दो मैं i कॉमन ले रहा हूँ तो y² + 1 आ रहा है, y कॉमन ले रहा हूँ तो y² + 1 आ रहा है, तो मैं y² + 6 को एक तरफ रखा और y² + 1 को एक तरफ रखा, बात को नहीं समझ में आया। तो आप बोलोगे सर क्यों रखे, हम इसलिए रखे ना क्योंकि हम इक्वेट कर सकते हैं, रियल पार्ट एक तरफ, y² + 6 + 6 must be = 2x है ना, द इक्वेशन 1। अब इक्वेशन 2 क्या आ रहा है, इमेजिनरी पार्ट उसके इक्वल होना चाहिए, y² + 1 must be = x इक्वेशन 2, ये आया, एक इक्वेशन ना दो इक्वेशन आया,
अच्छा अब क्या कर सकते हैं हम लोग इक्वेशन आने के बाद? सर सिंपल सा बात है ना, इक्वेशन टू को वन में डाल देते हैं हम, है ना, पुटिंग टू इन वन, है ना। अब टू को वन में डालेंगे तो सर क्या लोचा है, वाई स्क्वायर प्लस वन सिक्स है, प्लस वन को पहले अलग कर लो ना, वाई स्क्वायर प्लस वन प्लस फाइव इज इक्वल टू टू एक्स, ये आएगा, है ना, कि वन प्लस फाइव सिक्स होता है। अब वाई स्क्वायर प्लस वन क्या दिया हुआ मेरा, एक्स के बराबर दिया हुआ है ना। अच्छा तो अब मेरा क्या होगा, एक्स को उधर भेजते हैं तो टू एक्स माइनस एक्स मस्ट बी इज इक्वल टू फाइव, तो एक्स इज इक्वल टू फाइव, एक्स का वैल्यू क्या आया मेरे पास, फाइव आया, एक्स का वैल्यू क्या आया, फाइव आया, सिंपल सा बात है। फिर वाई का वैल्यू अब तो निकल जाएगा ना मेरा वाई, एक्स का वैल्यू फाइव आ रहा है तो यहाँ पुट कर लो इक्वेशन टू में, वाई स्क्वायर प्लस वन इज इक्वल टू एक्स का वैल्यू फाइव, तो वाई स्क्वायर इज इक्वल टू फोर, तो वाई क्या होगा प्लस माइनस टू, है ना, रूट रखता है तो प्लस माइनस लगता है ना रूट लगने टाइम, अब वो पॉजिटिव नेगेटिव है ना, बात को समझ में आया। तो एक्स का वैल्यू फाइव, वाई का वैल्यू प्लस माइनस टू आ रहा है, अरे आ रहा है तो अब तुम उसको कॉम्प्लेक्स नंबर में क्या एक्स वाई का खाली वैल्यू निकालना था, अभी तो पुट करना नहीं। तो इस तरह का इक्वालिटी ऑफ मैट्रिसेस में क्वेश्चंस आता है जिसको हम लोग को सॉल्व करना है, और भी क्वेश्चंस करेंगे, और भी हम क्वेश्चंस करेंगे, लेकिन फिलहाल के लिए अभी अपने को कॉन्सेप्ट सब बताना, मैं बताते जा रहा हूं, ठीक है। तो इसे मैं रब करता हूं, ठीक है, इसे मैं रब करता हूं, यहां वाला रब करता हूं। अब यहां पर मैं नया रूल बताता हूं, ये तो इंप्लाइज है। अच्छा इक्वालिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर समझ में आ गया। अच्छा अब समझो बात को, अब बात को समझो, मैं बोलना चाह रहा हूं कि एक काम करते ना सर, इतना बात कर रहे हैं, एक तो आप बताइए एडिशंस, है ना, एडिशंस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, एडिशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर वही, अगर a1 प्लस आई बी वन हो और z2 मेरे पास a2 प्लस आई बी टू हो तो इसको हम लोग एडिशंस कैसे करेंगे। तो एडिशन सेम है, बात को समझ में आया, वही जैसे अभी तरीका से हम लोग किए, a1 प्लस a2 को एक तरफ रख देना और प्लस i कॉमन लेके b1 प्लस b2 को एक तरफ कर लेना, क्यों, बस खाली सेपरेट करना है, रियल पार्ट एक तरफ इमेजिनरी पार्ट एक तरफ, समझ में आया। अच्छा उसी तरीका से अपने को मालूम होना चाहिए क्या, उसी तरीका से अपने को मालूम होना चाहिए सब्ट्रैक्शन, सब्ट्रैक्शन सेम, सब्ट्रैक्शन ऑफ, है ना, सब्ट्रैक्शन कॉम्प्लेक्स नंबर का सेम, है ना, ए वन माइनस ए टू और प्लस, है ना, प्लस आई कॉमन बी वन माइनस, अच्छा माइनस कॉमन ले लेंगे ना तो बी वन प्लस बी टू हो जाएगा शायद, है ना, ए वन प्लस ए टू और ए वन माइनस ए वन प्लस ए टू को माइनस करेंगे तो, अच्छा ए वन माइनस ए टू नहीं, ये प्लस ही होगा और b1 वन माइनस बी टू शायद, है ना, क्योंकि अब ये दोनों को तुम माइनस करेगा, दो कॉम्प्लेक्स नंबर को, तो तुम कैसे करेगा, यहाँ माइनस लगाएगा तो ये भी माइनस हो जाएगा, तो a1 वन माइनस ए टू एक तरफ और i कॉमन लेंगे तो b1 वन माइनस बी टू एक तरफ, बात को समझ में आया। अच्छा सब्ट्रैक्शन पे समझ में आ गया सर, सब मल्टीप्लीकेशन, बस देखो करना सेम चीज़ है, कुछ मतलब उसे घोड़ा टीम नहीं है, मल्टीप्लीकेशन मल्टीप्लीकेशन, है ना, कॉम्प्लेक्स नंबर का कुछ नहीं है इसमें, मल्टीप्लीकेशन भी अपने को सेम, जेड वन इंटू जेड टू करना है ना, जेड वन इंटू जेड टू करके जो भी होगा रियल पार्ट ऑफ जेड एक तरफ प्लस इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड एक तरफ, समझ में आया, ठीक है। अच्छा एक मिनट, अजान हो रहा है, मैं पढ़ाते चला गया, थोड़ा सा अजान रुकने तक का वेट कर लेते हैं हम लोग, ठीक है, अजान रुकेगा फिर मैं पढ़ा रहा हूँ, ठीक है, दो तीन मिनट रुक जाइए आप लोग, ठीक है। हाँ तो दोस्तों अजान मुकम्मल हो गया, अजान मतलब क्योंकि हम लोग थोड़ा सा अजान होता है तो उस वक्त हम लोग को साइलेंटली मतलब साइलेंट रहना पड़ता है, फिर भी मैं थोड़ा सा पढ़ा दिया था, कोई बात नहीं, माफ़ करें। अच्छा अब समझो क्या मेरे कह रहे, तार ना यार पूरा जुलूम करके रखा, बार बार फंस जाता, बता तो कहा आदमी साला वीडियो बनाएगा, बताओ। अच्छा मैं इसे रब करता हूँ, ये तो समझ में आ गया, अभी तक हम लोग कहाँ तक किए, अभी तक हम लोग कहाँ तक किए, अभी तक हम लोग किए हैं, समझो बात को, अभी तक हम लोग कहाँ किए, मल्टीप्लीकेशंस। सर अगर मल्टीप्लीकेशंस तो डिवीजन नाम का कोई चीज़ है क्या, हाँ है सर डिवीजन है, अरे मेरा भाई सब होगा, क्यों, क्योंकि हम लोग कॉम्प्लेक्स अभी नंबर ही ना पढ़ रहे हैं, रियल नंबर में जैसे सब कुछ था वैसे अपना कॉम्प्लेक्स में भी आएगा, क्योंकि ये भी एक तरह का नंबर ही है ना, लेकिन डिवीजन का सर रूल क्या है। अगर आप बोल रहे हैं कि मान लीजिए सर ए वन प्लस आई बी वन बाई ए टू प्लस आई बी टू दो कॉम्प्लेक्स नंबर है उसका डिवीजन करना, तो एक्चुअली में डिवीजन करने का जो रूल है वो होता है कि जो नीचे के जो भी नंबर है उसके कॉन्जुगेट से हम लोग क्या करते हैं, न्यूमिनेटर डिनोमिनेटर हम लोग
डिवाइड करते हैं। तो आप बोलोगे सर कॉन्जुगेट क्या होता है, अभी तक कुछ बोले नहीं आप, तो मैं अभी नहीं बोल रहा हूँ, बस इतना याद रखो, इतना याद रखो कि सिंपल सर वे मान के चलो फिलहाल के लिए कि हम लोग एक रेशनलाइज करते हैं ना। अरे रेशनलाइज किसे करते हैं, यहाँ पर साइन अगर प्लस होगा तो ऊपर नीचे माइनस साइन से हम लोग क्या करते हैं, इंटू करते हैं ना, बेसिकली हम लोग वन ही ऐड कर रहे होते हैं, तो हम लोग उसके माइनस साइन से ऊपर नीचे ऐड करते हैं, बस एक रेशनलाइज करने का तरीका, फिलहाल के लिए इतना समझो। लेकिन होता क्या, नीचे का कॉन्जुगेट ऊपर नीचे न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में इंटू होता है। इस तरीका से इसको सॉल्व करते हैं, इस तरीका से इसको सॉल्व करके रियल पार्ट एक तरफ, इमेजिनरी पार्ट एक तरफ करना है, ठीक है सर। तो उसी तरीका से एक और है सर, रेसिप्रोकल ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, रेसिप्रोकल ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। तो सर रेसिप्रोकल ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर सेम, जैसे कि मान लो ए प्लस आई बी है, तो बस उसका वही कॉन्जुगेट से ऊपर नीचे ए माइनस आई बी बाई ए माइनस आई बी, इसको भी इसी तरीके से सॉल्व करना है आगे। समझ में आया? अच्छा इतना, बाकी क्वेश्चंस करेंगे तो समझ में आ जाएगा। तो इतना तक तो कॉन्सेप्ट मेरा रहा, इतना कॉन्सेप्ट करा दिए, आइए हम आपको क्वेश्चंस कराते हैं। और यही क्वेश्चंस पे अभी तक हम लोग कुछ पढ़े नहीं है, बस जाने हैं क्या होता है कॉम्प्लेक्स नंबर और कुछ कुछ रूल जाने। इसी रूल में हम आपको भी एंट्रेंस का क्वेश्चंस भी सॉल्व करके दिखा देंगे, क्योंकि ऑलरेडी एनआईटी में सब क्वेश्चंस आ चुका है। बात को समझ में आया? और आप बोलोगे अरे सर क्या बात कर रहे हैं, इतना में अभी तो इतना जल्दी एंट्रेंस, यही होता है धोखा, तो यही है ना, तुम बहुत आगे डेप्थ तक पढ़ लेगा पहाड़। देख हर क्वेश्चंस हार्ड नहीं होता, जेई मेंस में हर क्वेश्चंस हार्ड नहीं होता, 30 क्वेश्चंस में 30 का 30 पहाड़ नहीं होता। वो एक ऐसा बैलेंस किया जाता है क्वेश्चंस को ना, कि तुम आराम से कम क्रैक कर लेगा। बात को समझ में आया? तुम इजीली क्रैक कर लेगा, ऐसा मतलब लेवल होता है क्वेश्चंस का, मतलब इतना लेवल, वैसा भी टफ नहीं दे देगा, सब बैठ के नाखून चिबाते रहेगा। समझ में आ रहा बात को? अच्छा इसको मैं रब करूं, एडिशन सब्ट्रैक्शन सब जान गया, बात कर बीच में कर लेता हूं, क्या करूं, थोड़ा सा समझाना ही पड़ता है यार। अगर आप लोगों को नहीं समझाऊंगा तो फिर समझेगा कौन, यूट्यूब देख कौन रहा है, हम दोबारा देखेंगे इधर देख। अच्छा दोबारा एग्जाम देंगे तुम लोग के लिए, हम इधर देख। अभी हम बोल रहे हैं कि क्वेश्चंस पे आते हैं, एक क्वेश्चंस पहले ले लेते हैं हम लोग बुक में, देखते हैं क्वेश्चंस। अच्छा क्वेश्चंस क्या है, ठीक, एक क्वेश्चंस बोल रहा है कि प्रूफ करो कि प्योरली रियल है ना, प्रूफ दैट जो कॉम्प्लेक्स नंबर है वो क्या है, प्योरली रियल है ना। अच्छा आप बोलोगे सर क्या मतलब, नीचे देख के क्वेश्चन लिखाएंगे टाइम बर्बाद होगा। देख अब डिजिटल बोर्ड तो नहीं है ना कि पहले से क्वेश्चन सब सेट कर लिया, तुमको आके परछाई और पिक्चर दिखाए, बात को समझ में आ रहा है, यहाँ लिखना पड़ता है। अच्छा क्या लिखेंगे, 3 + 2i / 2 - 3i ब्रैकेट, मार्कर चेंज कर करके पढ़ा रहे, तुम लोग को बहुत खुशी लगना चाहिए। और 3 - 2i / क्या बोल रहे, 2 + 3i ये ब्रैकेट चेंज किए, इसको बोल रहा है प्योरली रियल, प्रूफ करिए कि प्योरली रियल है। हम इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे, सिंप्लीफाई करने के बाद मेरे दिमाग में वही डिवीजन फॉर्म आ गया, जहाँ मेरे दिमाग में डिवीजन आया तो हम क्या करेंगे, अरे क्या करेंगे, नीचे का रेशनलाइज। अभी फिलहाल के लिए इतना ही समझिए आप, नहीं तो कॉन्जुगेट का माने भी हम नेक्स्ट वीडियो पे ही बताएंगे। नेक्स्ट वीडियो पे कॉन्जुगेट का प्रॉपर्टी, एंट्रांस का क्वेश्चन, 2 + 3i / 2 + 3i ये ब्रैकेट के अंदर में, ये क्या कर दिए हम ब्रैकेट। अच्छा अब रब कर देते हैं, जगह नहीं होगा माफ़ करना, ये ला मैं रब कर देता हूँ कल ये किस। अच्छा 3 - 2i / 2 + 3i * 2 - 3i / 2 - 3i बात को समझ में आया? हम अंदर में ही क्या किए, अरे कैसे सॉल्व किए, हम रेशनलाइज कर दिए। अच्छा अब फिलहाल के लिए समझा, हालांकि कॉन्जुगेट ऊपर नीचे डिवाइड मल्टीप्लाई होता, मैं बताऊंगा कॉन्जुगेट क्या होता, मैं बताऊंगा, भाग रहा रही हूं, ठीक है। 3 + 2i / 2 + 3i इसको इंटू कर लो ना, इंटू करने के बाद तुम्हारे पास क्या आएगा, 6 + 9i + 4i + 6i² आएगा, डिवाइड बाई ए माइनस बी और ए प्लस बी, तो 4 - a² - b² है ना, ये इतना तो समझ में आ ही गया होगा, बात को समझ में आया। अच्छा अब यहाँ 6 - 9i - 4i - 6i² / a + b मतलब 4 - 9i² है ना, a² - b² फॉर्मूला है ना यार, a प्लस बी और a माइनस बी का फॉर्मूला इसी तरीका से होगा। अच्छा अब क्या कर सकते हैं सर हम लोग, और क्या कर सकते हैं, पहली बात ये आई स्क्वायर क्या होगा, आई स्क्वायर होता है -1, तो -1 खाओ के यहाँ क्या हो जाएगा, +1, इसका भी हटा दो, ये क्या हो जाएगा, +1। अच्छा 4 + 9 क्या होगा, मैं स्टेप गायब कर रहा हूँ, 4 + 9 क्या होगा, 13। अरे 4 + 9 क्या होगा, 13। आप बोलोगे वीडियो बीच से मत देखना, नहीं तो आगे बका जाएगा।
अच्छा अब क्या करना, आई स्क्वायर क्या होगा? अरे आई स्क्वायर क्या होगा, आई स्क्वायर माइनस वन, माइनस आई स्क्वायर मिटा दो, यहाँ से भी आई स्क्वायर क्या होगा माइनस वन, तो ये प्लस वन हो जाएगा, आई स्क्वायर मिटा दो। अरे मिटाया नहीं, समझा बात को, अरे मिटाया। अच्छा अब क्या करना है सर, अब कुछ समझा नहीं रहे, ये सिक्स कैंसिल आउट हो जाएगा, नाइन प्लस फोर आई क्या लिखेंगे, थर्टीन आई बाई थर्टीन, अरे नाइन प्लस फोर आई थर्टीन आई बाई थर्टीन, प्लस माइनस माइनस प्लस, तो माइनस थर्टीन आई बाई थर्टीन, तो अब ये माइनस कहाँ आ जाएगा बाहर, तो अब दोनों सेम है, इक्वल टू क्या आएगा आंसर, जीरो, दोनों कट जाएगा और इक्वल टू जीरो आएगा। अब जीरो मेरा क्या है, ये इमेजिनरी पार्ट थोड़ी है, जीरो मेरा क्या है प्योरली रियल है, जीरो क्या है प्योरली रियल, प्रूव हो गया, प्योरली रियल प्रूव हुआ। बात को समझ में आया किस तरीके से क्वेश्चन सॉल्व किए, नहीं समझा बात को, समझ में आया ना, इस तरीके से अपने को सॉल्व करना है, ठीक है। अच्छा और क्वेश्चंस ले लेते हैं, लेवल अप करते हैं क्वेश्चन सबका, मैं इसे रब करता हूँ जल्दी सी, है ना, रब करने टाइम वीडियो कट कर दूंगा, क्वेश्चन लिखने टाइम भी एक काम करता हूँ, क्वेश्चन लिखता हूँ फिर उसके बाद वीडियो को सब कट कर दूंगा, ठीक है, क्वेश्चंस लिखूंगा टाइम लग जाएगा तो वीडियो कट कर दूंगा इसी में, ठीक है। अच्छा क्वेश्चंस क्या है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बोल रहा है इफ इफ एक्स प्लस आई वाई, एक्स प्लस आई वाई का पावर वन अपॉन थ्री है ना, इज इक्वल टू ए प्लस आई बी बोल रहा है, ए प्लस आई बी बोल रहा है, ठीक है, बोल रहा है एक्स वाई एंड ए बी रियल नंबर को बिलोंग कर रहा है, चलो इतना तो समझ में आया, एक्स वाई और ए बी सब आर को बिलोंग कर रहा है, बोल रहा है सो दैट प्रूफ दैट वेरीफाई दैट एक ही है। अच्छा बोल रहा है क्या करने, हाँ बोल रहा है एक्स बाई ए प्लस वाई बाई बी मस्ट बी इज इक्वल टू, बोल रहा है फोर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर करने के लिए, प्रूफ करने के लिए बोल रहा है। सर इसको सॉल्व कैसे करेंगे हम लोग, सिंपल सा बात है, मेरे पास जो इफ कंडीशन दिया वो हम लोग उसका इस्तेमाल करेंगे और क्वेश्चन को सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे। तो हम इस्तेमाल करते हैं ना लेट, है ना, पहले जो गिवन है, गिवन क्या है मेरा, गिवन क्या है, बोल रहा है एक्स प्लस आई वाई का पावर वन बाई थ्री मस्ट बी इज इक्वल टू ए प्लस आई बी बोल रहा है। तो अब हम यहाँ करेंगे कि स्टेप लिखेंगे क्यूबिंग बोथ साइड, क्यूबिंग बोथ साइड है ना, वी गेट, है ना, दोनों साइड क्यूबिंग करने के बाद हमको क्या मिलेगा, अगर हम इसका भी क्यूबिंग कर दे, इसका भी क्यूबिंग कर दे, तो ये थ्री थ्री कैंसिल आउट हो जाएगा, तो एक्स प्लस आई वाई मस्ट बी इज इक्वल टू ए प्लस आई बी का होल क्यूब, ये आएगा, इसमें तो कोई डाउट नहीं होना चाहिए। एक्चुअली में देखा जाएगा तो इक्वलिटी ऑफ मैट्रिसेस का ही क्वेश्चन है, इक्वलिटी ऑफ मैट्रिसेस हम बता देंगे अभी क्यों, अभी आप देखो, तो ये एक्स प्लस आई वाई इक्वलिटी है ना, अब इसको बात उसको खोलो, मैं खोलने लगा, ए क्यूब प्लस ए प्लस बी का होल क्यूब का फॉर्मूला क्या है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस थ्री ए स्क्वायर बी है ना, प्लस थ्री ए बी स्क्वायर है ना, थ्री ए स्क्वायर बी प्लस थ्री ए बी स्क्वायर, तो ए क्यूब क्या होगा, ए क्यूब तो ए क्यूब ही होगा, और आई क्यूब क्या होता है, अभी आपको बता दिए थे कि आई क्यूब माइनस आई होता है, तो माइनस आई बी क्यूब हो जाएगा, प्लस थ्री ए स्क्वायर आई भी रहने दो, प्लस आई स्क्वायर क्या होता है माइनस वन, तो यहाँ माइनस थ्री ए बी स्क्वायर, ये बचा। अच्छा आप बोलोगे सर एक काम करो, अब इधर ले आओ ना रियल पार्ट को, ए स्क्वायर माइनस थ्री ए बी स्क्वायर, ये और ये मैं एक तरफ ले आया, अब उसके बाद मैं क्या कर रहा हूँ, देखो मैं माइनस आई कॉमन ले रहा हूँ, मेरे पास आ रहा है सर बी क्यूब माइनस, मैं माइनस कॉमन लिया ना माइनस आई। अच्छा एक काम करता हूँ ना, मैं कॉमन नहीं लेके मैं काम करता हूँ प्लस रहने देता हूँ, प्लस ये क्या बचेगा, अगर मैं यहाँ से कॉमन ले रहा हूँ आई, तो मैं पहले लिखूँगा थ्री ए स्क्वायर बी है ना, आई यहाँ से बाहर गया और यहाँ बचा माइनस बी क्यूब है ना, ये दोनों में से ये आएगा। तो अब देखो रियल पार्ट एक तरफ हो गया, इमेजिनरी पार्ट एक तरफ हो गया, और इसके नीचे में क्या है, इसके नीचे में है एक्स प्लस आई वाई है, अरे इसके नीचे में एक्स प्लस आई वाई है, तो अब इसको हम लोग क्या करेंगे, कुछ नहीं सिंपल सा तरीका है, इसको करना है इक्वेट रियल पार्ट एक तरफ और इमेजिनरी पार्ट एक तरफ है ना, ऑन इक्वेटिंग लिख देंगे है ना, और क्या लिखेंगे, एक्स मस्ट बी इज इक्वल टू ए क्यूब माइनस थ्री ए बी स्क्वायर, दैट इज आवर इक्वेशन वन, और वाई मस्ट बी इज इक्वल टू थ्री ए स्क्वायर बी माइनस बी क्यूब, दैट इज आवर इक्वेशन टू, इतना समझ में आया। लेकिन हमको तो प्रूफ करने बोला एक्स बाई ए वाई बाई बी,
वो होना चाहिए। तो एक काम करो, यही इक्वेशन में तुम एक काम करो, डिवाइडिंग है ना बोथ द साइड बाय ए। अब हम ए डिवाइड करेंगे, लिख लेना ए, हम दोनों में ए डिवाइड किए और इसमें कर दिया डिवाइडिंग बी, तो यहाँ बी हो गया, यहाँ बी हो गया। बात को समझ में आया? तो एक्स बाई ए क्या होगा, एक्स बाई ए मेरा क्या निकल के आएगा, ए और ए कैंसिल आउट होगा तो ए स्क्वायर माइनस ए कैंसिल आउट होगा तो थ्री बी स्क्वायर। इतना तो समझ में आया है ना, ये पार्ट को एक तरफ लिख सकते हैं, पार्ट को एक तरफ लिख के हम लोग काटाकोटी कर सकते हैं। अच्छा वाई बाई बी हम लोग क्या करेंगे, वही थ्री ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये इक्वेशन टू का अलामत है, ये इक्वेशन वन है, ये इक्वेशन वन है, ये इक्वेशन टू है। अच्छा अब अपने को सॉल्व का करना बस कुछ नहीं, ये एक्स बाई ए प्लस वाई बाई बी को ऐड करेंगे तो ये खुद ब खुद निकल के आ जाएगा, प्रूव हो जाएगा। तो मैं ऊपर का थोड़ा रब करता हूँ, मैं ऊपर का थोड़ा रब करता हूँ, ठीक है। अच्छा अब इधर दोनों को ऐड कर दीजिए है ना, ऑन एडिंग, ऑन एडिंग वन एंड टू, वन और टू को ऐड किए हम, वन और टू को ऐड करने के बाद क्या मिला, एक्स बाई ए प्लस वाई बाई बी मस्ट बी इज इक्वल टू, क्या ऐड करना है, ए स्क्वायर माइनस थ्री बी स्क्वायर है ना, ए स्क्वायर माइनस थ्री बी स्क्वायर प्लस थ्री ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब देखो ना, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर एक तरफ है ना, प्लस थ्री कॉमन ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर एक तरफ है ना। अब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को एक तरफ ले लो, कॉमन ले लो, तो अंदर में क्या बचेगा, फोर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है ना, प्रूफ हो गया। अरे प्रूफ हो गया है ना, प्रूफ। आप बोलोगे सर ये क्वेश्चन इतना ईजी, हाँ तो मेरा भाई इसी टाइप का क्वेश्चंस एंट्रांस पे आ चुका है, एआई ट्रिपल ये नहीं आया है, ये नहीं आया है, मैं बस लिख रहा हूँ, अभी मैं कराऊंगा, इसी टाइप का क्वेश्चंस एंट्रांस पे आ चुका है, इसी टाइप का, मैं बस क्लिक कुछ रब करके वीडियो को कट करके क्वेश्चंस लिखूंगा, मैं अभी जस्ट इसी टाइप का क्वेश्चंस कराऊंगा, बोलूंगा देखो तुम आराम से कर लोगे तुरंत। लेकिन फिर समझ में आया क्वेश्चंस को कैसे प्रूफ किए, तो बस अब इसको रब करते हैं क्वेश्चंस को। अच्छा रब करने से पहले नॉर्मल सा क्वेश्चंस करा देते हैं, या फिर एक काम करते हैं ट्रिपल ई का क्वेश्चन हम करा ही देते हैं, ठीक है। तो मैं रब करके पहले क्वेश्चंस लिख लेता हूँ, थोड़ा बड़ा क्वेश्चन है, वीडियो थोड़ा सा बच जाएगा, ठीक है। तो आइए स्टूडेंट्स आ जाते हैं हम लोग अपने क्वेश्चंस की ओर। तो जैसा कि मैं क्वेश्चंस लिख दिया, और आप बोलोगे सर क्या मजाक कर रहे हैं क्या, ये क्वेश्चंस तो अभी आप जस्ट इस टाइप का क्वेश्चंस कराए, तो हाँ कराने का कोई मकसद है ना भाई। मैं अभी बुक से जो क्वेश्चंस कराया तो मैं बोल रहा हूँ इसी प्रकार का क्वेश्चंस, देखो एआई ट्रिपल ई पे आ गया था, एआई ट्रिपल ई 2004 पे ये क्वेश्चंस आ गया था। ये क्वेश्चंस पे कुछ नहीं है, कुछ नहीं क्या है क्वेश्चंस पे देखो, लेकिन ये मैं करूंगा नहीं, ये मैं हुमक दूंगा, ये तुम तुरंत निकाल लोगे दो मिनट में, भी जस्ट मैं इस टाइप का क्वेश्चंस कराया हूं। वो बोल रहा है कि एक्स बाई बी प्लस वाई बाई क्यू है ना डिवाइडेड बाई पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर से डिवाइड करेंगे इक्वल टू किसके बराबर आना चाहिए, माइनस टू माइनस वन और टू और वन के किसके बराबर आना चाहिए। ये सिंपल सा क्वेश्चन है, अगर ये नहीं कर पाए मेरा वो जस्ट अभी पिछले जो क्वेश्चन कराया उसको देख के भी करोगे तो आंसर सॉल्व हो जाएगा। अगर उसके प्रोसेस पे चलोगे ना पूरा रट के चलोगे तो ये क्वेश्चन है ट्रिपल ई का दो मिनट में सॉल्व हो जाएगा। ऐसे तुम करना अपने से, इसे तुम अपने से करना, फिर भी नहीं हो रहा है ना भाई, तो एक काम करना दो तीन बार वीडियो देखना मेरा, वही वाला इससे पहले वाला क्वेश्चन रिवाइंड करके तुम निकाल लेगा भाई, जितना भी वीक हो तुम एकदम नया है ना, एकदम कभी जिंदगी में मैथ नहीं पढ़ा तो भी तुम निकाल लेगा, अगर पिछला क्वेश्चन का प्रोसेस को रट लेगा तो कम से कम। बात को समझ में आया, खाली इक्वालिटी मैट्रिसेस लगाना है, इक्वालिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर खाली निकाल लगाना है ना भाई, और कुछ तो करना नहीं। अच्छा वो तो खैर तुम कर लोगे, ये होमवर्क के तौर पे आंसर है, ठीक है, होमवर्क है, क्या आंसर आएगा तुम बताना, ठीक है, कमेंट बॉक्स में दे देना। फाइंड द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ जेड। अच्छा इस टाइप का क्वेश्चन भी कभी कभी एग्जाम में पूछ लेता, जब मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स बोलेगा ना समझना रेसिप्रोकल करना ही बोल रहा है, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स और कुछ नहीं एक रेसिप्रोकल होता है, तो वन बाई जेड, बात को समझ में, वन बाय थ्री माइनस टू बस। अब इसको सॉल्व करने के लिए तुम्हारे पास एक ही ऑप्शन है ना, अरे इसको सॉल्व करने के लिए रेसिप्रोकल को सॉल्व करने के लिए क्या ऑप्शन है, ऑप्शन यही है कि नीचे का जो रेशनलाइज कर दो, मतलब वही कॉन्जुगेट ऊपर नीचे ऐड कर दो, हालांकि कॉन्जुगेट मैं बताऊंगा नेक्स्ट क्लास, समझना फिलहाल के लिए बस क्या करना, थ्री प्लस टू आई डिवाइड बाई थ्री प्लस टू आई, ये हो जाएगा थ्री प्लस टू आई डिवाइड बाई, ये दोनों को क्या ए प्लस बी ए माइनस बी, तो नाइन माइनस टू आई फोर आई स्क्वायर, नाइन माइनस फोर आई स्क्वायर, नहीं समझे बात को, मैं क्या बोला नाइन माइनस फोर आई स्क्वायर, एक काम करो ना ये क्या होगा थर्टीन होगा, अरे आई स्क्वायर माइनस वन होता है तो माइनस वन या प्लस हो जाएगा थर्टीन हो जाएगा, तो थ्री बाई थर्टीन को एक तरफ लिख दो और टू आई बाई थर्टीन को एक तरफ लिख दो, रियल पार्ट एक तरफ इमेजिनरी पार्ट एक तरफ, दैट इज आवर आंसर। अरे दैट इज आवर आंसर, मैं दो क्वेश्चन एक बार लिख दिया, मैं बोला कि ये भी करा लेना चाहिए, ये बुक में एक मैं देखा कोना में तो मैं बोला करा देता हूँ, कभी कभी एक मार्क का ये भी क्वेश्चन पूछ लेता है। बात को समझ में आया? अच्छा तो इतना समझ में आया, चलिए ये तो होमवर्क, ये इजी बहुत ईजी तुरंत कर लोगे तुरंत, खाली एंट्रांस नाम का है,
काम तो आप देख लिए, क्या करना था, इक्वलिटी प्रूफ, इक्वलिटी लगाना है, इक्वलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर का कॉन्सेप्ट लगाना है, ठीक है। अच्छा मैं रब करता हूँ और एक क्वेश्चन लिखता हूँ, मस्त वाला क्वेश्चन लिखता हूँ, ठीक है। मैं रब करता हूँ, अच्छा मैं रब करता हूँ। अच्छा अब अभी क्या है, एक क्वेश्चन मैं ले लेता हूँ, अच्छा क्वेश्चन है। हाँ बोल रहा है, फाइंड रियल थीटा, फाइंड रियल थीटा है ना, सच दैट अच्छा बोल रहा है, 3 + 2y साइन थीटा डिवाइड बाई 1 - 2y sin थीटा इज प्योरली रियल बोल रहा है। प्रूफ करो, है ना, मतलब शो करना है ये इज प्योरली रियल। ये क्वेश्चंस बता दिया है ना, सच सो दैट नहीं है, ये सच दैट है। आई एम रियली सॉरी, नहीं तो बच्चा कंफ्यूज हो जाएगा। ये सच दैट बोला कि थीटा बताओ, रियल थीटा बताओ, थीटा क्या होगा कि जब ये क्वेश्चन जब प्योरली रियल होगा। ये मतलब बता रहा है कि ये क्वेश्चन ऑलरेडी प्योरली रियल है, शो करने नहीं बोला है, ये सच दैट बोला है। इंग्लिश समझ मेरा भाई, हम खुद नहीं समझ पा रहे इंग्लिश, तुम समझ कम से कम। सच दैट मतलब ये प्योरली रियल है, प्योरली रियल मतलब हमको थीटा निकालना है, थीटा इसका क्या होगा। आइए इस क्वेश्चन के अप्रोच में पहुंचते हैं, कैसे करना है सॉल्व। जहां डिवीजन दिखा तो बस एक ही तो बस उपाय लगाना है, ऊपर इसका नीचे का कॉन्जुगेट ऊपर नीचे इंटू करना है। कॉन्जुगेट में बता दूँ एक नॉर्मल एक्सप्लेनेशन के लिए, कॉन्जुगेट में क्या होता है, जो आई का जो भी वैल्यू होता है ना उसके बाद में माइनस साइन लगा दो, आई के जो कुछ भी वैल्यू होते हैं उसके माइनस साइन लगा दो। अगर मतलब आई प्लस में है तो माइनस में हो जाएगा, और माइनस में है तो प्लस में हो जाएगा। बात समझ में, आई को खाली रिप्लेस करना होता है माइनस आई से, बस कॉन्जुगेट में यही होता है। लेकिन बस इतना भी कॉन्सेप्ट याद रखो। ये क्वेश्चन कैसे सॉल्व करेंगे, 3 + 2y साइन थीटा डिवाइड बाई 1 - 2y साइन थीटा इंटू वही रेशनलाइज अपना पुराना तरीका, 1 + 2 वही मतलब कॉन्जुगेट ऊपर नीचे साइन थीटा बाई 1 + 2y साइन थीटा। इतना तो समझ में आ गया, इतना हमको बताने का दरकार भी नहीं, ये तुम कर लेगा तुरंत। तो अब क्या कर सकते हैं सर, अब क्या कर सकते हैं, ऊपर इंटू करेंगे क्या, करो नीचे सर a + b a - b दिख रहा, करो मैं मना नहीं किया। ऊपर इंटू करोगे तो क्या आएगा, क्या क्या लेके आ सकते हो ऊपर इंटू करोगे। मैं बोल रहा हूँ 3 + 6i साइन थीटा है ना + 2y साइन थीटा है ना +4i² sin² थीटा। ये दोनों को सॉल्व करोगे तो, अरे देख लो मैं कुछ नहीं बोल रहा हूँ, तुम देख लो। अच्छा अब डिवाइड करूँगा, बोल रहा है कि 1 - 2i sin थीटा 1 + 2 मतलब a² - b² मतलब 4i² sin² थीटा। अब मैं यहाँ से स्टेप गैप करूँगा, थोड़ा सा स्टेप गैप करूँगा, नीचे वाला रब करता हूँ, थोड़ा सा स्टेप गैप करूँगा। आप बोलोगे कि सर स्टेप क्यों खा जाते हैं बार बार, खा रहे हम नहीं, थोड़ा सा मार्कर बचा रहे और क्या करेगा बोल। देख भाई थोड़ा सा टाइम भी बचाते, एक घंटा बहुत बड़ा टाइम हो जाता है। i² को तुम क्या लिख सकते, i² को -1 लिख सकता है, क्योंकि हम पहले बताए थे आयोटा क्या होगा, i² - 1 - 1 का माइनस इधर आएगा तो क्या बचेगा, प्लस, और i² हट जाएगा, ठीक है। इतना समझ में, इसका i² अगर यहाँ आएगा तो ये क्या हो जाएगा, माइनस, यहाँ से i² हट जाएगा। बात को समझ में आया, 6 + 2i मतलब 6i + 2i सेम है, तो ये दोनों मिलके क्या हो जाएगा, ये दोनों मिलके हो जाएगा 3 + 8i sin थीटा है ना, और -4 sin² थीटा डिवाइड बाई 1 + 4 sin² थीटा। अच्छा अब बोलोगे सर ये बात है, अच्छा तो आप एक काम करें ना सर, रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट को एक तरफ करिए पहले, फिर आपसे हम बात करेंगे। हम लोग ठीक है, 3 - 4 sin² थीटा 3 - 4 sin² थीटा प्लस आई है ना 8 sin थीटा प्लस आई 8 sin थीटा 8 होगा ना, पॉजिटिव है ठीक है, 8i8 sin थीटा डिवाइड बाई 1 + 4 sin² थीटा। सर इतना समझ में आया, तो अब ये जो बीच में प्लस है, रियल पार्ट अलग है इमेजिनरी पार्ट अलग है, तो क्या हम इसको एक बार इसके साथ, अब प्लस करके बीच में इसको एक बार इसके साथ लिख सकते, इतना तो कॉन्सेप्ट पता है तुमको। अरे ये कॉन्सेप्ट पता है ना, एक बार तुम इसके साथ लिखेगा, बीच में प्लस देगा, फिर एक बार इसके साथ। लेकिन वो बोल रहा है कि ये प्योरली रियल है, और हम तुमको स्टार्टिंग में बता दिए थे कि अगर कोई कॉम्प्लेक्स नंबर प्योरली रियल है दिस मीन्स y मस्ट बी इज इक्वल टू 0।
अगर ये प्योरली रियल है तो y जीरो होना चाहिए, तो y वाला पार्ट क्या है, इमेजिनरी वाला पार्ट क्या है, इक्वल टू इमेजिनरी वाला पार्ट क्या है, इमेजिनरी वाला पार्ट है 8, मैं अलग मार्कर से लिख देता हूँ यहाँ सेम दिखेगा नहीं तो, इमेजिनरी वाला पार्ट क्या है 8 साइन थीटा डिवाइड बाय 1 प्लस 4 साइन स्क्वायर थीटा मस्ट बी इज इक्वल टू जीरो। अरे अगर ये प्योरली रियल है, अगर मेरा एक कॉम्प्लेक्स नंबर प्योरली रियल है, इसका मतलब जेड इमेजिनरी पार्ट मेरा जीरो होगा ना, वाई मेरा जीरो होगा तब तो रियल आएगा कॉम्प्लेक्स नंबर, तो वही मैं वाई जीरो किया। अब हमको पता है कि इक्वल टू जीरो मतलब नीचे वाला पूरा उधर जाके जीरो आएगा, मैं अगर करूँ तो ये क्या होगा 8 साइन थीटा इज इक्वल टू जीरो। अब यहाँ से क्या आएगा साइन थीटा इज इक्वल टू जीरो, है ना, यहाँ से आया साइन थीटा इज इक्वल टू जीरो। आप बोलोगे सर साइन थीटा जीरो कब होता है, तो तुम बोलोगे सर साइन जीरो जीरो होता है एक वैल्यू, नहीं भाई एक वैल्यू बताना तो बोले यहाँ साइन का तुम ग्राफ देखो वो मतलब क्या होता है पता है, हर पाई पे 2 पाई पे 3 पाई पे है ना माइनस पाई 2 पाई हर पाई पे है ना हर पाई पे, नहीं समझिए जैसे n और पाई वेयर n बिलोंग्स टू वेयर n बिलोंग्स टू इंटीजर थीटा क्या आएगा n पाई होगा। n पाई क्यों, क्योंकि हर एक पाई पे देखो ना तुम, ये पाई पे जीरो, ये 2 पाई पे जीरो, 3 पाई पे जीरो, माइनस पाई पे जीरो, माइनस 2 पाई पे जीरो होता है ना ग्राफ में, तुम देख लो यार, अब क्या मैं बोलूँ है ना, देख लो है ना, इंटीजर को मल्टीप्लाई करो पाई से, इधर भी पूरा जीरो होता जाएगा इधर भी जीरो होता जाएगा। तो हम कितना वैल्यू थीटा जीरो साइन थीटा जीरो कब होता है, तो मैं बता दिया एन पाई पे जीरो होता है जहाँ पे एन क्या है। अब हमको एग्जैक्टली नहीं बोला है कि तुमको इतने से इतना बीच में ही लेना है, आपको समझ में आया, हमको बोला है कि कहाँ कहाँ जीरो होता, तो हमको पता होना चाहिए कि नहीं पूरा एन पाई, एन में तुम कोई भी इंटीजर वैल्यू डाल दो उस जगह पे, उस पर्टिकुलर पॉइंट पे ये क्या होगा, उस पर्टिकुलर पॉइंट पे ये जीरो होगा, बात को नहीं समझा, उस पर्टिकुलर पॉइंट पे वो जीरो होगा, एन का वैल्यू तुम जीरो डालेगा तो जीरो, तो ऐसे भी जीरो हो जाएगा। समझ में आया सिंपल सा कोई इस टाइप का क्वेश्चन देखो कैसे है। चलो एक काम करते हैं, एक एंट्रांस क्वेश्चन और करते हैं फटाक सा, नहीं फिर उसके बाद वीडियो को एंड करेंगे, ठीक है, कुछ नहीं था ये क्वेश्चन पे, खाली आदमी को दिमाग लगाना पड़ा। अभी तक हम लोग कितना क्वेश्चन कर लिए वो देख रहा हूँ, अभी तक हम लोग कितना क्वेश्चंस कर लिए, समझा के। अच्छा अब समझने वाला बात समझो, फिर एंट्रांस क्वेश्चंस पे आते हैं। एक एंट्रांस क्वेश्चंस कह रहा है, बहुत मस्त क्वेश्चंस है एंट्रांस का, इफ अभी तक देखो मैं जो पढ़ा रहा हूँ बस उसी में एंट्रांस कराया। आप बोलोगे सर इतना ईजी भी होता है क्या, हाँ यार सब कुछ हार्ड थोड़ी होता है, पगला उगला सब कुछ हार्ड होगा तो आदमी भाग जाएगा शहर छोड़ के। एक्स पावर में एक्स है, ठीक है, ये कॉम्प्लेक्स नंबर है पावर में एक्स है, बोल रहा है इक्वल टू वन, देन पॉइंट में दिया हुआ है। अच्छा मैं वीडियो कट कर दूंगा यार, क्या बोलूँ लिखने में, x इज इक्वल टू 2n प्लस 1, बी 2 में दिया हुआ है 4n 2n है ना 4n, थोड़ा जल्दी लिख रहा हूँ, x दिया हुआ है 2n, ये x है ठीक है, और x दिया हुआ है 4n प्लस 1 वेयर n इज पॉजिटिव इंटीजर है ना, वेयर एन पॉजिटिव इंटीजर, बस इस सब में लिखा हुआ है ठीक है। इस टाइप का क्वेश्चंस कब आ गया था, ये आया था AI EEE 2003 में, देख लो AI EEE 2003 में। अच्छा अभी तक तो हम लोग कुछ ज़्यादा कुछ खास चीज़ किए नहीं, मतलब समझ में आया, अभी तक तो नॉर्मल एक बेसिक चीज़ अभी हम लोग किए कॉम्प्लेक्स नंबर में, और उतना ही देर में अभी 2 एंट्रेंस का क्वेश्चन भी अपन लोग सॉल्व मानने जा रहे हैं। अब देख लीजिए, अब लोग सर इस क्वेश्चन को सॉल्व करना, ये तो और ईजी है, अरे तो और इजी है, मैं बोला ना जब डिवीजन दिखेगा मेरे दिमाग में एक ही चीज खटकता है, मैं क्या करता हूँ 1 प्लस i / 1 - i के अंदर में ही पावर का छोड़ दो, 1 प्लस i / 1 प्लस i है ना पावर में x इज इक्वल टू 1, ये मेरा गिवन डाटा है, तो इससे मैं काम करना स्टार्ट कर रहा हूँ। मैं इसी के अंदर में क्या किया अपना कॉन्जुगेट से i होगा, i का क्या कॉन्जुगेट होगा, i माइनस i से रिप्लेस होगा, माइनस i से रिप्लेस होगा तो प्लस प्लस, कॉन्जुगेट के माने भी इतना समझो, बाकी मैं भी बताऊंगा और भी प्रॉपर्टी सब उसको बताऊंगा, क्वेश्चंस कराऊंगा एंट्रांस का। अब इसको सॉल्व करोगे तो क्या आएगा, ये 1 + i का होल स्क्वायर आएगा, अरे यही आने वाला है ना, और नीचे में क्या आएगा i - i² यही आने वाला है इज इक्वल टू 1, बात को सिंपल सा है, कुछ इसमें हार्ड नहीं है। आप बोलोगे सर i² तो -1 होता है, बोले हाँ हम तो मना नहीं किए, अगर i² -1 होता तो नीचे तो 2 होना चाहिए, 1 - 1 मतलब माइनस पहले से तो 1 + 1 = 2, सर ये क्या होगा, सर ये होगा 1 + i² + 2i = 1, अब बात को समझ रहे हैं। अब
आई स्क्वायर क्या होता है माइनस वन, तो आई स्क्वायर माइनस वन और प्लस वन कैंसिल आउट होगा, तो टू आई डिवाइड बाई टू, टू टू कैंसिल इज इक्वल टू वन। तो आई मेरा क्या आ रहा है, आई मेरा एक चीज़ आप बोलोगे सर मतलब आप एक चीज़ भूल रहे हैं, मैं बोला ना मैं कुछ अभी लगाया नहीं हूँ, ये नहीं लगाया मैं, ये मैं नहीं लगाया एक्स है ना, ये मैं अब लगा रहा हूँ एक्स। तो आई का पावर एक्स इज इक्वल टू माइनस वन सर ये आ रहा है। तो लेकिन आंसर क्या होगा, अब सिंपल सा बात एक लॉजिक समझ, आई का पावर एक्स और आई का पावर में वन कब आता है, आई का पावर क्या होने से वन आता है, आई का पावर फोर होने से वन होता है। अरे आई का पावर फोर होने से वन होता है, तो आप बोलोगे सर तो ऐसा क्या बार बार होगा, हाँ किसमें बार बार होगा, हर फोर के मल्टीपल पे फोर इंटू एन कर दो, क्यों, क्योंकि फोर के टेबल पे फोर वन जा फोर एट बारह है ना, हर इस पोजिशन पे आके आई क्या होगा वन होगा। अरे हर पोजिशन पे बारह पे फिर बारह के बाद फोर के मल्टीपल पे क्या होगा आई वन होगा। तो एक्स किसका मल्टीपल हुआ, एक्स हुआ फोर के मल्टीपल में है ना, पहला कहाँ आया फोर पे आया, अब फोर के मल्टीपल करते जो हर चार के बाद क्या होगा वन होते चले जाएगा, तो बेस सेम है तो पावर क्या हो जाएगा एक्स इज इक्वल टू फोर एन। तो दैट इज आवर आंसर, बस ये है एंट्रांस क्वेश्चन, समझ में आया, बस एक नॉर्मल सा क्वेश्चन एंट्रांस का और कुछ नहीं, इतना में हम लोग अभी तक इतना सॉल्व कर लिए, ठीक है। तो अभी इस वीडियो के लिए इतना खत्म, इस वीडियो के लिए इतना खत्म, नेक्स्ट क्लास हम लोग जानेंगे कॉन्जुगेट के बारे में, फिर उसके बाद हम लोग जानेंगे मॉड्यूलस के बारे में, फिर मॉड्यूलस कॉन्जुगेट को पूरा मिक्स कर देंगे, फिर अलग से आर्ग्यूमेंट के बारे में जानेंगे, फिर आर्ग्यूमेंट पर बहुत सारा क्वेश्चन करेंगे, क्योंकि मॉड्यूलस बहुत इंपॉर्टेंट है, मॉड्यूलस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर इतना इंपॉर्टेंट है ना, उसमें दो तीन तो प्रॉपर्टी बार बार रिपीट होता है एंट्रांस में भी, ठीक है। तो इस वीडियो के लिए इतना रहा, कुछ था इतने देर में भी तो कुछ स्टार्ट भी नहीं किया मेरे ख्याल से, देखा जाएगा तो एक नॉर्मल सा बेसिक्स खाली पढ़े, अब बेसिक्स में देखो दो टो एंट्रांस क्वेश्चन भी सॉल्व कर लिए और कई तरह का क्वेश्चन, बाकी डीपीपी में मिल जाएगा आप लोग, डीपीपी में दो तीन क्वेश्चन इस प्रकार का आप लोग को मिल जाएगा जिसमें आप लोग प्रकार अच्छा से करिएगा, ठीक है। तो चलिए इस क्वेश्चन के लिए इतना रहा, तो आपसे फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, ठीक है। तो टाटा बाय बाय, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, अल्लाह हाफिज़, ठीक है।